दुमका आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुमका नगर के द्वारा अभावीप की 75वां स्थापना दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर श्री अग्रसेन भवन दुमका में राष्ट्रीय छात्र दिवस सह प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन प्रदेश मंत्री सोमनाथ भगत, प्रदेश जनजातीय कार्य प्रमुख मनोज सोरेन, मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय कुमार सहित दर्जनों विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में दुमका जिले से 500 विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापन काल से ही छात्रों मुद्दों को लेकर संघर्ष करती आई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर साल की तरह इस साल भी अपने स्थानीय कार्यालय में सुबह 8 बजे ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत किया। तत्पश्चात अग्रसेन भवन दुमका में प्रदेश मंत्री सोमनाथ भगत ने कहा कि इस वर्ष देशभर के शैक्षणिक संस्थानों में आनंदमय सार्थक छात्र जीवन के अंतर्गत विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां करेंगी। परिषद का परिचय कराते हुए भारत को महाशक्तिशाली नहीं बल्कि विश्व गुरु बनना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजनीतिक संगठन नहीं, हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ राष्ट्रहित में कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं। जब हमारी बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ तब परिषद ने मिशन साहसी जैसे कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश भर में बहनों के अंदर आत्मबल को बढ़ाने के लिए किया और कहा कि केवल पीड़िता नहीं योद्धा है, हर नारी स्वयं सिद्धा है। शिक्षा मित्र में परिवर्तन की अगर हम बात करें तो परिषद ने कहा कि शिक्षा में भारतीयकरण होना चाहिए और लंबे संघर्ष के बाद आज नई शिक्षा नीति हम सबों के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपी भारत। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।